हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप क्लॉथ एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद एंड टुडे सेशन ऑन निफ्टी पे चर्चा। जैसे कि आप देख सकते हो, आज की ओपनिंग थोड़ा गैप अप ओपनिंग के साथ आज की शुरुआत हुई थी। लगभग आज की ओपनिंग 18,080 के आसपास की आज की ओपनिंग थी, राइट। तो जिस हिसाब से आज की ओपनिंग थी, ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई थी, 18,080 के आसपास की ओपनिंग थी। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि हमारे लिए इमीडिएट तौर पर रजिस्टेंस 18,100 और 18,150 का लेवल रहेगा, और मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया। इसी जोन के आसपास आते ही मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, 18,125 का आज का हाई है, लगभग 18,125 के आसपास का आज का हाई है। और हाई से मार्केट ने जो कि प्रीवियस जो हाई बना था मार्केट में, तो जहाँ से प्रीवियस डे मार्केट में अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्म हुआ था, वही पॉइंट से आज मार्केट ने अपना एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जिस हिसाब से आज ओपनिंग कैंडल बनी, ओपनिंग कैंडल के साथ जिस हिसाब से रेजिस्टेंस फेस किया, जो इमीडिएट जो सपोर्ट था, इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके आसपास आके, और वहीं से मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन के साथ नीचे की तरफ ट्रेड मार्केट आज दिन भर कर रहा था। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले सेशन में भी कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा 18,000 का लेवल। अगर मार्केट 18,050-18,000 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कि मैंने बताया भी था कि हमारे लिए 18,050 ये हमारे लिए भी इमीडिएट तौर पर रजिस्टर की तरह सॉरी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो हमें 17,800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमारा लगभग 17,900 के आसपास का आज का लो है। वही पे मार्केट ने अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया, हमें अच्छा खासा सपोर्ट बेस बनाते हुए मार्केट ने अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। वही से मार्केट ने रिवर्सल एक पैटर्न फॉर्मेशन के साथ, जिस ऐसा देख सकते हो आप, अभी अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन के साथ ही मार्केट ने अपना अपवर्ड मोमेंट कंटिन्यू किया और लगभग आज 18,000 के लेवल के आसपास वापिस से अपना क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था कि हम निफ्टी ने, राइट। तो अभी कल के सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा आज का रोल, जो कि लगभग 17,900 का लेवल है। अगर कल के सेशन में मार्केट ये 17,900 का लेवल अगर ब्रेकडाउन कर जाता है, तो शायद हमें 17,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं कमिंग सेशन में। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी कल के सेशन के लिए। कल के सेशन के लेवल मार्क करिएगा, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है और ट्रेड करते ही वापस सस्टेन कर जाता है, अभी वहाँ पे रुक जाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो शायद हमें 18,700-18,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। अब रही बात ऊपर की, ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 18,050 से लेकर 18,100 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है ऊपर की तरफ, मतलब ये लेवल को अगर ब्रेकआउट कर जाता है, ये लेवल को अगर ब्रेकआउट कर जाता है ऊपर की तरफ, तो शायद हमें ऊपर कल की सेशन में 18,200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर मार्केट ने ये लेवल के आसपास अगर सस्टेन कर जाता है, मॉर्निंग में गैप अप हो जाता है, अभी कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाता है जिससे अच्छा खासा पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 18,100 का लेवल। अगर निफ्टी 18,100 के लेवल के आसपास रहकर मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करता है, तो शायद हमें ऑफिस से नीचे के ट्रेड है ऑफिस से 18,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं कल के सेशन में। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए भी, इसको मार्क करते हुए चलेगा जिस हिसाब से भी आप अपना ट्रेड सेटअप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करते हुए आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था, हमारा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, वीआर स्ट्रेटेजी। आप अगर आज वीआर की स्ट्रेटेजी के थ्रू भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड भी लाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, लगभग इसी की रेंज के अभी एंट्री पॉइंट था मेरा, और लगभग यही हमारा जोन था जो कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। और लगभग मार्केट ने जिस हिसाब से इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, उस वक्त मैंने भी अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी, अगर वी आई पी एंट्री के थ्रू आपने एग्जीक्यूट किया होगा, और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा आपको टारगेट भी मिला होगा, राइट। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 17,900 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो जैसे ही जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हुआ, 17,900 के लेवल के आसपास अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना है, और स्पिनिंग टॉप बनाते हुए मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल को अच्छा खासा एक उसका ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू किया। ये क्लियरली आपको बताया गया था, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट के आसपास आता है, तो आपको एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अपना एक रिवर्सल ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे आपका लॉस कम हो और शायद तक हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिले। जैसे कि इधर आपको मिल गया लगभग 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया, मतलब 100 पॉइंट का लगभग आपका पॉइंट मिल गया अभी निफ्टी में, अगर किसी ने रिवर्सल ट्रेडिंग किया होगा तो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो सारा जो भी मैंने बताया, जो भी लेवल बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चार्ट के हिसाब से कम्प्लीटली इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं फिलहाल की भाई हमारे लिए अभी कल के सेशन में 18,100 का लेवल ऊपर ही रेंज रहेगी टॉपर में। अगर 18,100
75 के ऊपर ट्रेड करता है निफ्टी, तो हमें शायद 18,200 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अब रही बात नीचे की, तो अगर 17,900 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाता है तो शायद हम नीचे के लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ये लेवल सारी चीजें मार्क करते हुए चलेगा, फिर उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो होगी डाटा, अगर ये तो होगी चार्ट की मीन जो प्राइस एक्शन के बारे में। अगर मैं डाटा देखूँ, अच्छा अगर अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का वो डाटा देख रहा हूँ निफ्टी में, आप क्लियरली आप भी देख सकते हो हमारे मेक और ब्रेक लेवल बन के आ रहा है 18,000 का लेवल। जैसे कि आप देख सकते हो 18,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी कल के सेशन के लिए। जहाँ तक की आज की क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग लगभग 18,000 के थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे ही हुए, लगभग 17,990 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। अगर आज की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ रहता और काफी मतलब 18,050 के आसपास अगर हुआ रहा तो मैं काफी हद तक बोला रहता कि मार्केट फिलहाल ऑफिस कल भी हम गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकते हैं। लेकिन मार्केट 18,000 जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसके नीचे थोड़ा ट्रेड नीचे क्लोज हुआ है, तो फिलहाल मार्केट में नेगेटिविटी हम कल भी सेशन में देखने मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमें 18,100 तक के लेवल, 18,100 18,150 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं कल के सेशन में। तो ये 18,000 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर जब तक ये निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक के हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव वाइब मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा हमारे लिए। और डाउन साइड की रही बात, तो डाउन साइड के लिए अगर आप यह देख सकते हो 17,800 और 17,900, ये हमारे लिए इमीडिएट तौर पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो कल का सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 17,800 17,900 का लेवल डाउन साइड के लिए, और अपसाइड के लिए 18,100 और 18,150 का लेवल एक इमीडिएट रजिस्ट्रेशन की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मार्केट तो चलेगा, आप उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। अगर किसी को कोई स्ट्रैटेजी होना जो कोई इस्तेमाल नहीं करता है, किसी को अगर सीखने की इच्छा हो, अगर मेरा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पोस्टेड किया है VF की स्ट्रैटेजी हो इजिली, और कैसे आप इजिली कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने ये वीडियो में आपको बताया है कम्प्लीटली। तो आप वहाँ पे भी आप एक क्या आप देख सकते हो उसको अप्लाई करके देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो, काफी इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू, लेट्स सी टुमारो व्हाट्स हैपन।